नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में जहां विदेशी पूंजी भंडार को लकवा मार गया है और इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो वहीं भारत का विदेशी पूंजी भंडार आज लगातार बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों अब तो भारत का विदेशी पूंजी भंडार लगभग एक हफ्ते में ही 3.50 अरब डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। और दोस्तों इतनी तेजी हमने कभी भी नहीं देखी। हालांकि दोस्तों ये जो तेजी आज देखी गई है, ये तेजी कोरोना महामारी के काल में भी देखी गई है। लेकिन दोस्तों आखिरकार ये इतनी बड़ी तेजी आखिरकार आ क्यों रही है और आखिरकार क्यों हम इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत की जो स्थिति है आज पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन की बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में फिलहाल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घटता जा रहा है। हमारा पड़ोसी चाइना को ही देख लीजिए, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार 10% की रफ्तार से गिर रहा है। लेकिन भारत के लिए ये खुशी की खबर है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इस भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार जो भरा है, इसकी वजह से हम जो एक दूसरे देशों से सामान का आयात निर्यात होता है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही जो इस हिस्सेदारी को लगातार एक रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी देखी गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। दोस्तों चाइना की महामारी के कारण जहां चाइना के साथ पूरी दुनिया व्यापार कम कर रही है, तो वहीं पर जो एक भारत का ऑप्शन चाइना के रूप में पूरी दुनिया को मिल रहा है। और जो कमी एक चाइना की तरफ से देखी जा रही है, उसके विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग भारत में मुनाफा हो रहा है, क्योंकि वहां से पैसा निकल कर अब भारत में आ रहा है, जिस कारण से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अमेरिका भी बहुत बड़ा रोल इस विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में कर रहा है। हालांकि आज भारत का विदेशी पूंजी भंडार लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के अब तक के पिछले इतिहास के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गया है। और एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि हम आने वाले अगले या फिर अगले से अगले महीने में हम 500 बिलियन डॉलर के एक रिकॉर्ड स्तर को भी क्रॉस कर जाएंगे। और इसको देखते हुए जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत की इकोनॉमी है वो बहुत जल्द पटरी पर लौटेगी, इसके संकेत ये भारत का विदेशी पूंजी भंडार दिखा रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों जो अमेरिका की कंपनियां हैं और पूरी दुनिया की कंपनियां हैं वो अपने प्लांट चाइना से निकालकर भारत में लाने जा रही है, इन कारणों से भी भारत का विदेशी पूंजी भंडार बढ़ रहा है। और आपने देखा ही होगा कि लगातार आए दिन दुनिया के देश भारत को एक बड़े बड़े मंचों पर सीट दिलवाने के लिए भी अपनी हिमाकत कर रहे हैं, जिस कारण से भारत की पॉपुलैरिटी और भारत का एक रुतबा बहुत बढ़ गया है। और इसी कारण से आज भारत के अंदर न सिर्फ विदेशी पूंजी भंडार बढ़ रहा है बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत में अब आकर्षित हो रही हैं। और तो और अब मेड इन चाइना का बहिष्कार जिस कदर से भारत में शुरू हुआ है उसको देखते हुए अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी बातें शुरू हुई हैं और सरकार ने भी इसको लेकर काम शुरू कर दिया है। और लगातार जमीनी स्तर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भारत का सपना है उसको भी हम हासिल करेंगे। हालांकि दोस्तों आज चाइना भले ही कितना अपना एक आगे निकल गया हो, लेकिन आज भी चाइना अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पूरी दुनिया में अपना डंका तो बजाता ही है, लेकिन आज भी वो बहुत से पार्ट्स दुनिया के दूसरी कंपनियों से खरीदता है। हालांकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, उन इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में 4 या 5 ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं जो चाइना खुद बनाता है, बाकी के इक्विपमेंट वो दक्षिण कोरिया से खरीदता है या फिर जापान या फिर किसी और देश से खरीदता है। और इसी कारण से अब भारत भी इन 4-5 एक इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में महारत हासिल करने के लिए अब कोशिशें कर रहा है और इसको लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन जिस तरह से भारत की ग्रोथ बढ़ रही है और इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी और भारत की ये जो अर्थव्यवस्था है पटरी पर बहुत जल्दी लौट सकती है। और ये एक अच्छे संकेत भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आज निकल कर आए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।